प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश का मौसम तो सियासी है। यहाँ पे 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले वसंत का त्यौहार आने वाला है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले 5 फरवरी को वसंत पंचमी का त्यौहार है। हम पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, और पूरे पूर्वांचल में वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया जाता है। इसी सरस्वती पूजा के पहले हम पहुँचे हैं कुछ मूर्तिकारों के पास, जो माँ सरस्वती की प्रतिमा बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, कोरोना की वजह से उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मंजू जी हैं, जो एक मूर्तिकार हैं और जो पिछले कई सालों से मूर्तियां बनाती हैं। अभी सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर माँ सरस्वती की प्रतिमा यहाँ बनाई जा रही है, तो हम उनसे बात करेंगे। मंजू जी, आप कितने सालों से ये मूर्तियां बना रही हैं? अरे, मले दादा के साल से बना रहे यहाँ। अच्छा, मतलब आप मतलब शुरू से आपके घर में ये काम होता है? पुश्तैनी है काम। पुश्तैनी है। तो आपने कितने सालों से, मतलब किस उम्र से ये बनाना सीखा होगा ये मूर्तियाँ? अरे, तो हम तो यहाँ बाद में ना जाने छोटा पर से बना। अच्छा अच्छा, मतलब आप यहाँ शादी के बाद आप इस काम को, तो कितने साल हो गए होंगे लगभग? हमें 25 साल। 25 साल से आप ये मूर्तियाँ बना रही हैं। अच्छा, हम बात करें, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और हमने देखा कि कोरोना में लॉकडाउन हुआ, कई तरह की पाबंदियां लगी, तो कितनी मुश्किलात आई इन आप लोगों को, मूर्तिकारों को, कोरोना के टाइम? बहुत मुश्किल आई, और काम भी समय से मूर्ति नहीं भी कर रहे, समय से सामान नहीं मिला, समय से अथुआ कमल मूर्ति बनू के आदमी रख दे तो कैसे बनाई, वो जैसे कम मूर्ति बनते कम अथुआ होता, रोजगार में मंदा है। अच्छा अच्छा, कोरोना के पहले किस तरीके से काम होता था या कितनी कमाई थी, और कोरोना आने के बाद कैसा हाल रहा है अभी? मतलब कोरोना आने पर तनी कम है, उससे पहले तनी ज़्यादा होता रहा, तो उस समय 30-20 कमा लेते रहा, ऐसे में 20-30 कमाई में अथुआ होता रहा होता। अच्छा मंजू जी, हम बात करें कि जैसे अभी मूर्तियाँ बन रही हैं, 5 फरवरी को वसंत पंचमी का त्यौहार है, उसके पहले आपको ये बना के देना, रेडी करना होगा, तो एक मूर्ति को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनाने में एक को दिन लग जाला, पूरा नहीं दो दिन ज्यादा लगता है। अच्छा, दो दिन में मूर्ति तैयार है? अच्छा, दो दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, कितनी मूर्तियाँ आप लोग बना लेते होंगी सरस्वती पूजा के पहले, एक सीजन में कितनी मूर्तियाँ बना लेते होंगी आप? पूरा सबका यहाँ 500 तक की मूर्ति बनती है। अच्छा, 500 मूर्तियाँ बनती हैं। अगर हम बात करें कि एक मूर्ति में कितना मिल जाता होगा आपको? वही मतलब एक मूर्ति पर छोटा है तो 2000 पर, तो एक मूर्ति का 1500 खर्चा, 1500 बड़ा पर 1500, छोटा पर 500, छोटा पर 500। तो सोनू जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल। अच्छा, आपके घर में ये पहले से होता था मूर्तियाँ बनाने का? दादा दादा से, बाबू जी से लेकर पहले से हो रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के आने की वजह से कितना इफेक्ट पड़ा है, मतलब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? अब कोरोना में थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो नहीं पड़ेगा भाई, कोई भी है तो भाई इधर उधर से करके एडजस्ट करवाई करेगा, उतना इस बार दिक्कत नहीं होगा। इस बार की सरस्वती पूजा में बहुत बढ़िया से पूजा हो रहा है, कोरोना की बात नहीं है। चुनाव भी है नज़दीक, चुनाव तो मतलब सरस्वती पूजा बाद होगा, हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी इस समय नहीं है। अच्छा, चुनाव को लेकर अभी ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अच्छा, कोरोना के पहले कितना कारोबार होता था, या कोरोना के बाद आने के बाद किस तरीके से कारोबार अभी हो रहा है, घटा है? नहीं, घटा नहीं है, पूजा हुआ था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।